महाशिवरात्रि के दो ऐसे उपाय जिसकी वजह से आपके जीवन के बड़े से बड़े कष्ट कट जाएंगे। आज हम आपको गुरुजी द्वारा बताए गए महाशिवरात्रि पर करने वाले दो विशेष उपाय बताने वाले हैं। इस उपाय को करने से अलग अलग लाभ होंगे, तो आइए पहले उपाय की बात करते हैं। पहले उपाय को करने से आपके जीवन के ग्रह क्लेश दूर होंगे। चाहे आपके जीवन में सास और बहू की नहीं बनती है, पुरुषों की आपस में नहीं बनती हो, बाप और पुत्र की नहीं बनती हो, ननद की नहीं बनती हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो आपके जीवन में आपके घर में बहुत ज्यादा ग्रह क्लेश करता हो, तो ग्रह शांति के लिए आपने इस शिवरात्रि पर इस उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको जरूरत होगी 7 गेहूं की बाली की। जी हाँ, आपको 7 गेहूं की बालियां ले लेनी है और पूरे घर में आपको इसे लेकर पूरी तरह से घूम लेना है। घर के अपवित्र स्थान जैसे कि बाथरूम आदि को छोड़ देना है और आपने इन 7 बालियों को लेकर पहुंच जाना है शिवालय, और वहां पर आपके परिवार का जो भी गोत्र होगा या फिर किसी विशेष व्यक्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हो तो उसका नाम और गोत्र लेकर आपने 7 की 7 बालियां समर्पित कर देनी है। गुरुजी ने इस उपाय को बताते हुए कहा था कि जो भी अपने पूरे जीवन काल में महाशिवरात्रि वाले दिन 7 गेहूं की बालियां महादेव पर समर्पित कर देता है, ग्रह शांति उसी दिन से शुरू हो जाती है। ग्रह क्लेश हमेशा के लिए घर से दूर होने लग जाते हैं। घर में कभी भी सास बहू की आपस में झगड़े नहीं होते हैं। परिवार के किसी और सदस्य के भी कभी घर में झगड़े नहीं होते हैं। तो आइए गुरुजी द्वारा दूसरे उपाय की बात करते हैं। इस उपाय को करने के फायदे क्या होंगे? देखिए, यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपके परिवार में जैसे कि धन संपदा नहीं बढ़ रही हो या आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही हो, ऐसी कोई आपके जीवन में जमीन है जिससे आप खेती करते हो और आपको लगता है कि इसकी फसल अच्छी नहीं होती है, आपको पूरी तरह से यह जमीन फायदा नहीं हो रही है, तो आपने उस अवस्था में भी इस उपाय को कर लेना है। गुरु जी के मुताबिक इस उपाय को करने से धन संपदा हमेशा के लिए बढ़नी शुरू हो जाती है और व्यापार की भी वृद्धि होती है। तो इस उपाय को करने के लिए आपको जरूरत होगी 1 धतूरे की, और साथ में आपको 1 लाल कपड़ा ले लेना है। और आपने इस उपाय को करने के लिए शिवरात्रि के रात के 12 बजे आपने शिवालय पहुंच जाना है। जी हाँ, जैसे कि शिवरात्रि है 8 मार्च को, तो आपने 7 मार्च की रात को इस उपाय को कर लेना है। रात को ठीक 12 बजे ही आपने इस धतूरे को महादेव पर समर्पित कर देना है। अपने जीवन की समस्या आपने नाम और गोत्र लेकर महादेव से एक बार कह देनी है। गुरु जी ने इस उपाय को बताते हुए कुछ नियम बताए हैं, वो इस प्रकार से हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे जो पहला नियम है, ठीक पूरे 12 बजे आपने इस धतूरे को महादेव पर समर्पित कर देना है, अर्थात मंदिर आपने थोड़ी देर पहले पहुंच जाना है। जैसे ही 12 बजेंगे यह धतूरा अपने जीवन की समस्या नाम और गोत्र लेकर इस धतूरे को समर्पित कर देना है। उसके बाद आपने वहां पर जो मंदिर की चौखट होगी थोड़ी देर अर्थात आधा घंटा आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप आपने चौखट पर बैठ के करना है। गुरु जी ने बताया है कि कम से कम भी आधा घंटा आपने जरूर महादेव के किसी भी एक मंत्र का उच्चारण करते हुए चौखट पर बैठकर ही यह मंत्र का उच्चारण करना है, और जब 12:30 बज जाएंगे यह धतूरा आपने वहां से उठा लेना है और घर आकर सुबह 4 बजने से पूर्व ही आपने यह धतूरा 1 लाल कपड़े में लपेटकर आपने उस स्थान पर जाकर इसको टांग देना है जहां पर भी आप अपने व्यापार की वृद्धि करना चाहते हो। यदि आप यह उपाय किसी जमीन के लिए कर रहे हो जहां से आपको फसल नहीं मिल रही है या फायदे नहीं हो रहे, तो आपने उस जमीन में इसको गाड़ देना है। गुरु जी ने बताया है इस उपाय को जो भी व्यक्ति शिवरात्रि वाले दिन करता है उसके व्यापार की वृद्धि और धन संपदा उसी दिन से शुरू हो जाती है। तो आपने इस शिवरात्रि पर इस उपाय को जरूर करना है। हम आपको बता दें यह जो महाशिवरात्रि बहुत ज्यादा विशेष है क्योंकि यह त्रयोदशी वाले दिन आ रही है, यह शुक्रवार को आ रही है। त्रयोदशी का अर्थात है प्रदोष व्रत भी है, तो प्रदोष व्रत भी है और साथ साथ में महाशिवरात्रि भी है, जिसकी वजह से दिन बहुत ज्यादा विशेष आने वाला है। तो अपने जीवन के कष्टों का हरण करने के लिए आपने इस उपाय को जरूर करना है। हम आपको बता दें इसी दिन ही शिव योग भी रहेगा, सिद्ध योग भी रहेगा और साथ साथ में कुछ समय के लिए सर्वार सिद्धि योग भी रहेगा। तो गुरु जी द्वारा बताए गए इन कष्टों को निवारण करने वाले इस उपाय को जरूर कर लीजिएगा। जानकारी अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिनको इस वीडियो की जरूरत है वहां से जो शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनके भी जीवन की समस्याओं का समाधान हो सके और आपकी भी। श्री शिवानी मस्तुभ्याम, हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में।